मालवीय सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा कि ये नाम से ही विदित है कि इसमें नव प्रवर्तन इनोवेशन, जो नए विचार के माध्यम से जो नई प्रोडक्ट, नए उत्पाद और नई तकनीक, नए प्रोसेस जिनका डिज़ाइन किया जा सकता है, उसको ये बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र है। और ये इनोवेशन खाली इनोवेशन ही ना रह जाए बल्कि ये उद्योग में पहुंच जाए, तो इसके लिए इसको एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन, इन दोनों की आवश्यकता है। तो इसका एक काम है कि ये जो नए विचार, नए आइडियाज़ जब प्रयोगशाला में इन पे काम होता है तो इसके बाद इनको एक उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना होता है, या उसकी एक नई प्रोसेस का विकास करना होता है। तो इन दोनों कामों के लिए ये केंद्र है। ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा सपोर्टेड है, और ये इस क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन, बायोटेक्नोलॉजी, फूड, बल्क एंड लाइट केमिकल्स एंड इवन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में के एरिया में इंक्यूबेशन का कार्य कर रहा है। इस सेंटर की स्थापना का विचार हम लोगों के मन में 2006 में आया। 2006 का दौर ऐसा दौर था जिस समय लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि केवल नौकरी से भारत जैसे देश का विकास नहीं हो सकता। वो देश जहाँ 125 करोड़ की जनसंख्या है, अगर उस देश का विकास होना है तो हर युवा को, और स्पेशली उस युवा को जिसके अंदर कुछ मादा है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उसे कोई न कोई उद्यम या बिजनेस शुरू करना होगा। BHU बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी ऑफ द एरिया, लगा कि अगर ये यूनिवर्सिटी ये पहल नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर पूर्वांचल में कुछ करना है, जहाँ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, झारखंड, ये सारे एरिया के यूथ पहुंच सकें और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कर सकें, इस विचार के साथ पहले तो हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की। चूंकि एक नई चीज़ थी, एक नए तरह का कार्य था, लोगों को पता नहीं था कि कैसे क्या होगा, तो शुरू में बहुत से अवरोधों का भी सामना करना पड़ा, लोगों के विचित्र विचित्र तरह के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं। हमने, हमारे छात्रों ने मिलकर के बिजनेस इंक्यूबेशन के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल किया, कई कंपनियां अच्छी तरह काम कर रही हैं, उनको इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं, 4 से ज़्यादा कंपनियां ग्रेजुएट हो चुकी। ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप का पहला कन्वेंशन दिल्ली में किया था तो उसमें 12 ऐसी कंपनियाँ थीं जो मालवीय सेंटर से निकली थी और उससे जुड़ी थी। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ राघव कंसल, फाउंडर ऑफ ईटी मीडिया लैब्स। ईटी मीडिया लैब्स इज अ कंपनी दैट डील्स इन डिजिटल एनालिटिक्स एंड एड ऑटोमेशन, एंड वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज टुडे इन इंडिया इन दिस पर्टिकुलर निशे। बट दिस वॉज नॉट द केस 6 ईयर्स बैक। ऑब्वियसली द रिसोर्सेज वर वेरी मच लिमिटेड। दैट इज वेन डॉक्टर पी के मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव सर, बोथ ऑफ देम चिप्ड इन एंड दे ऑफर्ड टू हेल्प अस in building what we wanted to. They offered us a very good, very convenient office space with very convenient timings in Technical Business Incubator, got our company incubated there. So today we are a team of around 50 plus people. We have worked with 100 companies or all across the globe. It feels really great, and also it also gives you a sense of huge responsibility to be responsible for the employment of 50 plus people, to be responsible for their growth, their dreams as well. मेरा नाम आकाश कसौंधन है। मैंने 2011 में IIT-BHU से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। जब मैं BHU में सेकेंड ईयर में स्टूडेंट था तभी मैंने अपना स्टार्टअप किया था, जिसको वहाँ के प्रोफेसर्स और MCIIE की मदद से इंक्यूबेट करा के आज एक सक्सेसफुल कंपनी के फॉर्म में रन कर रहा हूँ। हमारा एम है कि देश में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और जितने भी तरह के कोर्सेज होते हैं, उन सारे कोर्सेज का एक मार्केट प्लेस बनाना है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर उन सारे कोर्सेज को अवेलेबल कराना है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे बड़े कोर्सेज को अपने ऐप के थ्रू कवर कर रखा है, और बचे हुए सारे कोर्सेज को अगले 2 सालों के अंदर हमें अपने ऐप पे लेके आना है और कम से कम 50 लाख बच्चों तक इस एप्लीकेशन को पहुँचवाना है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव केडिया है। मैं IIT-BHU से 2003 में केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ।
पास होने के बाद मैंने जर्मनी में एज अ साइंटिफिक कोवर्कर कुछ सालों तक काम किया था। फिर बाद में मैं शेल नामक एक कंपनी में डाउनस्ट्रीम बिजनेस में भी था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया आकर एंटरप्रेन्योर बनूंगा। तो मैं उसके बाद इंडिया आया और मैंने रियलाइज करने की कोशिश की कि गैप कहाँ पर है, किस चीज़ में मुझे सही में काम करना चाहिए। तो ये सोचते हुए हमने सारे कबाड़ी वाले को, यूनिक प्रोडक्ट्स को, स्पेशली बाहर की कंपनियां जो इंडिया आना चाहती हैं लेकिन आ नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए हमने वेब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म डेवलप किया ताकि वो इंडिया को कम से कम टेस्ट कर लें कि हमारा प्रोडक्ट इंडिया में कितना बिक सकता है, कैसे बिक सकता है, कहाँ बिक सकता है या कहाँ नहीं बिक सकता है, एवरीथिंग। तो इस तरह से हमने machineandmore.com की नींव रखी। प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया स्कीम में भी ये शामिल हो गया और हम इसके लिए काफ़ी खुश हैं। और हम IIT-BHU का भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर श्रीवास्तव, कई सारे लोगों का इसमें योगदान भी है जिन्होंने हमें सही से गाइड किया और प्लस अभी गाइड करते रह रहे हैं और आगे भी इनफैक्ट ऐसा ही होगा, हम पूरी तरह से श्योर हैं। इनिशियली इट वॉज अ वेरी टफ राइड बट वी वेर वेल सपोर्टेड बाई आवर mentors and the coordinators of MCIIE, Mr. Dr. Pradeep Mishra and Dr. P.K. Srivastava. The main help that we got was the infra of MCIIE. We got access to the lab of MCIIE, which was a very great help to us to develop our products. So the staff was very helpful. I remember that we used to work till 12 at night and staff would be with us, helping us in our daily routine work. So from there I think we are here now. We have our office in Noida also and a small lab in Noida. The journey so far has been a roller coaster ride. There has been ups, there has been downs, and we have taken all in the stride and we have moved forward, and we look to move forward to achieve मेरा नाम नवीन है। मैंने रोहित कुमार मित्तल के साथ मिलकर acuvio.com शुरू की 2014 में। हम लोगों ने अक्टूबर 2014 में यहाँ पर इंक्यूबेशन प्राप्त किया जहाँ पीके मिश्रा सर और श्रीवास्तव सर से मिले। हमारे लिए एक बहुत ही शुरुआत थी एक तरीके से। हम लोग खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे इस चीज़ में, बट उन लोगों की हमारे अंदर जो विश्वास पैदा किया उसके कारण ही आज हम इस प्रोडक्ट को बना पाए हैं। हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का उजागर दिल्ली में शुरुआत की थी जब हमारे एक कस्टमर ने, एक आफ्टर सेल सर्विस के कस्टमर ने हमें ये बताया कि पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हमने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए। तो हम लोगों ने इसके ऊपर 2 महीने बैठ कर बहुत चिंतन किया कि इसको हम कैसे बनाएं। उसके बाद हमने यहाँ इंक्यूबेशन प्राप्त करने के बाद 8 महीने इस रिसर्च को कैरी आउट किया जहाँ हमने जो मार्केट में जो करंट प्योरीफायर्स आ रहे हैं उनकी जो पानी की जो क्षमता है वो केवल 30% है। मतलब अगर आप 100 लीटर पानी डालते हैं तो आपको केवल 30 लीटर पानी ही आपको प्योर साइड में मिलता है, बाकी जो 70 लीटर है वो आपका बह जाएगा। परंतु हमारे इस प्योरीफायर में अगर आप 100 लीटर पानी इसको देते हैं तो आपको 70 लीटर प्योर करके देगा और केवल 30% इसकी वेस्टेज है। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को केवल अभी बनारस मार्केट में फैला रखे हैं। हम पिछले 1 साल से ऑपरेशंस में हैं और हमने 25 कस्टमर्स को अप्रोच किया है और हमारी ये भी 25 जगह लग चुका है। नमस्कार, मेरा नाम अजय सुमन शुक्ला, मैं 100 सैंडबॉक्स देशपांडे फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ। ये जो हमारा मालवीय सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन जो सेंटर है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बना हुआ है IIT-BHU में, वहाँ पे मैं भी एक अपने संस्था के साथ में देशपांडे फाउंडेशन के साथ यहाँ पे होस्टेड हूँ। और ये जो इकोसिस्टम पूरा प्रमोट करने के लिए जो बना है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए, तो हमारे फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को वाराणसी और उसके सराउंडिंग के जो 6 जिले हैं, ओवरऑल 7 जिलों में हम लोग काम करते हैं, लेकिन उसका जो शुरुआत है, उसका जो बेस है, वो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हर तरह के लोगों को लेकर के फार्मर्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, जो अदर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में मिलके हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं और उनकी इनोवेटिव अप्रोच को आगे लेके आएं। उसमें बहुत ज़रूरी है कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, जो मुझे लगता है कि TBI जो कि MCIIE जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे IIT-BHU में, उसका बहुत बड़ा योगदान है और उसके माध्यम से हम लोग इस इकोसिस्टम में मिलके काम करते हैं। मैं ज्योति श्रीवास्तव
मैं आजादी प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम कर रही हूँ। ये मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि TBI के अंदर में काम कर रही है। मेरी प्रोजेक्ट की टाइटल है द प्रोडक्शन ऑफ कोक्यूटेन। मेनली द कोक्यूटेन एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसके बेनिफिट ये है कि कुछ लोगों को जैसे डिजीजेज हैं तो उन्हें सही अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो ये कोक्यूटेन अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एज अ मेडिसिन और एज अ पाउडर, तो एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट उन्हें ले सकते हैं और उन्हें एनर्जी मिल सकती है। एज अ इट इज अ माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क जिसमें कि हम लोग माइक्रोब्स के साथ कल्चर करते हैं, तो हमें बहुत ही स्टराइल कंडीशन चाहिए, एक रूम चाहिए, हर एक चीज बहुत ही बारीकी से करनी पड़ती है, तो जिसके लिए बहुत ही कंटामिनेशन फ्री एरिया चाहिए। तो उसके लिए मुझे अलग रूम प्रोवाइड किए गए हैं, लेमिनार प्रोवाइड किया गया है, जो भी चीज़ ज़रूरत है टाइमली वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि कोक्यूटेन की प्रोडक्शन और बढ़ाई जा सके। 13.5 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद फिर मैंने अपनी कंपनी यहाँ बनारस में शुरुआत की है। इसका नाम है कर्पा IT सॉल्यूशंस। हम IT सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जैसे मोबाइल एप्लीकेशन और PC के लिए सॉफ्टवेयर्स। प्राइमरली हम बच्चों की इंटरनेट पोर्नोग्राफी से रक्षा करते हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए इंटरनेट आजकल देना ही पड़ता है और इंटरनेट पे 25% करीब सामान अश्लील है जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी पढ़ाई में बाधा भी डालता है, तो हमारे बनाए सॉफ्टवेयर उसको बहुत इफ़ेक्टिवली ब्लॉक कर लेते हैं। हम मालवीय सेंटर के साथ करीब 2.5 साल पहले जुड़े, हमारी कंपनी खुल चुकी थी उसके बाद, और वहाँ से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सपोर्ट मिला है जैसे हमारे क्लाउड के और कुछ कंप्यूटर टैबलेट इस तरह के कुछ टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स वगैरह हमको मालवीय सेंटर से मिले थे। इसके अलावा वो टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स कराते रहते हैं और इंटरेक्टिव डिस्कशन या कभी कोई इवेल्यूएशन, किसी पुराने एंटरप्रेन्योर का आना इस सब से, तो इन सब के थ्रू भी हमें काफ़ी सारे इनपुट्स मिलते रहते हैं जो अच्छे हैं, और बनारस में इससे अच्छा सेंटर तो दूसरा है भी नहीं, तो ये हमें उसका एडवांटेज मिलता है। तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और रिसेंटली हमने अपने दरवाजे बाहर के छात्रों के लिए भी खोला है। पहले इसके दरवाजे केवल BHU और IIT के छात्र और अलुमनाई के लिए खोले हुए थे, लेकिन अब कोशिश ये है कि वो हर आदमी जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है वो हमारी सहायता लेकर आगे बढ़ सके। और इस कड़ी में शायद पहला कंपनी या पहली कंपनी रोजहब है जो बाहर से आई हमारे साथ जुड़ी। हेलो, मेरा नाम है सागर दास और मैं रोजहब एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। मेरा कंपनी 2016 मार्च में शुरू हुआ और इसी दौरान हमें MCIIE, IIT-BHU में इंक्यूबेशन मिला। हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हम वर्कशॉप करते हैं और हम कंटेंट भी डेवलप करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही फेमस वर्किंग यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है rosehubTV, जहाँ पे हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और हम दूसरे के लिए भी कंटेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम आगे अपनी कंपनी को लेके जाना चाहते हैं MCIIE के हेल्प के साथ, और इसके लिए MCIIE हमें इक्विपमेंट्स के साथ, फंड्स के साथ मदद कर रहा है। नाउ विद अ स्ट्रॉन्ग फुट इन बिजनेस इंक्यूबेशन, मालवीय सेंटर इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्पेसिफिकली फॉर हैविंग मोर स्टार्टअप्स एंड स्पिन ऑफ्स वेयर इन प्रोफेसर मेंटर्स वुड बी देयर विद देयर नॉवल टेक्नोलॉजीज एंड दे कैन स्टार्ट देयर कंपनीज विद देयर स्टूडेंट्स। We intend to have at least 20 such companies at our incubator in the days to come. The companies may be of biotechnology, food technology and information technology specifically, because this area, IIT-BHU is flanked by two more prestigious institutions like NIT Allahabad, IIIT Allahabad, as well as NIT Patna and IIT Patna. So we hope to have good startups in these areas. And then we'll be supporting these startups with seed funds. We also look forward to have an acceleration program for these startups, wherein we may have some pitched in angel investors and venture capitalists. मालवीय सेंटर में अपनी कंपनी को इंक्यूबेट करने के लिए आप अपने आइडिया को एक समरी के रूप में MCIIE में सबमिट करें, उसके बाद उसमें रिव्यू किया जाएगा कि ये कंपनी, आपकी कंपनी कमर्शलाइज हो सकती है कि नहीं। कमर्शलाइजेशन का मतलब है हम सिर्फ इंडिया तक या स्टेट तक नहीं सोचते हैं, हम ग्लोबल कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं।
उसके बाद आपको अपने अपने आइडिया को बी प्लान में कन्वर्ट करके जिसमें आरओआई आप दिखाएंगे, कितना आरओआई होता है, क्या रिटर्न मिलेगा और कैसे मिलेगा और किस टेक्नोलॉजी पे आप काम करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन एक एक्सपर्ट कमेटी के सामने आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर इंक्यूबेट हो जाते हैं, इंक्यूबेट करने के बाद आपको सीड फंड का सपोर्ट, आपको नेटवर्किंग का सपोर्ट और मेंटोरशिप का सपोर्ट मिलेगा जिससे आप अपनी कंपनी को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा पाएं और कमर्शलाइज कर पाएं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन उसको भी हम लोग सुधार लेंगे। बॉम्बे, दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिस, बैंगलोर जैसे मेट्रोपोलिस से हमारे एलुमनाइज और दूसरे भी वेंचर कैपिटलिस्ट आर मार्केटिंग एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उसके बाद हमारा इंटरनेशनल एलुमनाइज एसोसिएशन जो है वो भी हमारे साथ है। देश के प्रसिद्ध प्रबंध संस्थाओं में भी हमारे एलुमनाइज जो प्रोफेसर और डायरेक्टर रह चुके हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमें आशा है कि मालवीय सेंटर इंक्यूबेशन के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। और एक थ्रस्ट और हम जोड़ना चाहते हैं क्योंकि आने वाले भविष्य में देश ही नहीं वरन विश्व में जल और ऊर्जा का संकट होने वाला है। तो एक थ्रस्ट एरिया नया माली सेंटर में जोड़ने की कोशिश होगी कि एनर्जी और वाटर पे बेस्ड जो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है उनको इंक्यूबेट किया जाए। थैंक यू।